हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आपका EMRS जो JSA का रिजल्ट था वो आउट हो चुका है। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आपका जो रिजल्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, जहाँ तक 1 से 2 दिन में भी आपको देखने को मिल सकता है। और आज दूसरे दिन ही आपका जो JSA का रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है वो सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि कट ऑफ हाई जाने वाली है और सेम कट ऑफ हाई यहाँ पर देखने को हमें मिली। आप लोग मान नहीं रहे थे कि इतने नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए मैंने टाइपिंग के लिए भी आपको बोला था कि तभी से आप टाइपिंग में लग जाइए। अब देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। 2 दिन पहले भी मैंने आपको बोल दिया था कि टाइपिंग में अभी से लग जाइए। ठीक है, तो अब देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने रिजल्ट में दिया हुआ है। हालांकि मैंने इसका जो रिजल्ट है ऑलरेडी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, पर ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये पहले डाल दिया 558 पर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने दिया हुआ है आपके रिजल्ट में। तो ये यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये ओपन हो गया अपने पास। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आपको बताता हूँ। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है सक्सेसफुली कंडक्ट द EMRS सेलेक्शन एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम हुआ था फॉर द फिल ऑफ वेकेंट पोजिशन ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA। टोटल आपकी जो पोस्ट थी वो 759 पोस्ट थी जिस पर ये आपका रिक्रूटमेंट हुआ था। फ्रॉम अमंग्स द क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड एज पर मार्क्स स्कोर्ड इन रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट अंडर ESSE 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA अ टोटल ऑफ 2678। इसका मैंने आपको 3 गुना करके बताया था। और ये बोल भी रहे हैं कि 1:3 में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए, बट यहाँ पर 2678 कैंडिडेट यहाँ हो रहे हैं। अगर 2678 को हम 3 से डिवाइड दें तो यहाँ से देख सकते हैं 3 8 24, उसके बाद 2 27, 3 9 27 और लगभग 3 93, तो 893 वैकेंसी होती है। ठीक है, या तो यहाँ हम मान सकते हैं कि कुछ वैकेंसीज की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है, या जो ये जो है 2678 जो है यहाँ पर, ये इस तरीके से हो सकता है कि अगर हम इसका 3 गुना लें तो 3 9 27, 3 5 15 16 17, 3 7 21 और 22। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2277 हो रहे हैं बच्चे, बट इन्होंने जो बच्चे ज़्यादा ले लिए हैं कुछ 2600 समथिंग, है ना। तो या तो इन लोगों ने वैकेंसी बढ़ा दी है कुछ यहाँ पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने क्या करा है, जैसे मान के चलिए किन्हीं भी दो कैंडिडेट के नंबर आ गए 98 98। ठीक है, तो उनको यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर लिया है इस तरीके से। पॉइंट में भी उनके नंबर सेम चलेगा, मान के चलिए 98.50 98.50, तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके सिमिलर मार्क्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि यहाँ पर 50 से लेकर 100 वैकेंसी भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिली हो। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो रह सकता है। आगे और देख लेते हैं क्या कुछ इन्होंने इसके अंदर बोला है। यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है तो इसमें लिस्ट में आके आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखिए, एक सेकेंड, रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर अटैच्ड विद दिस नोटिस। ठीक है, नीचे रोल नंबर दिए गए, बस यही बोला है द अबव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी नोटिफाइड शॉर्टली अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको बहुत ही जल्दी कॉल आने वाला है। हो सकता है कि आपको विद इन अ वीक एक नोटिस देखने को मिल जाए जिसमें आपको डेट्स यहाँ पर आउट कर दी जाए कि टाइपिंग आपकी इस डेट को होगी। हो सकता है डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आउट कर दिया है कि आइए सीधे आइए, 15 दिन बाद आपकी टाइपिंग यहाँ पर ले ली जाए। ठीक है, तो इसके पहले अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी आपको बता दूंगा कौन सा वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आप विद इन अ मंथ या आप अपनी जो है स्पीड को 35 ला सकते हैं, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, उसमें बता दिया था। ठीक है, और यहाँ देखिए ऑल द कैंडिडेट हुआ प्रोविजनली, ये तो आप अपना इस तरीके से चेक कर सकते हैं। नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, इस तरीके से ये लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे, है ना, इस वीडियो के नीचे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखना है दोस्तों, नीचे कमेंट में क्या लिखना है, आपकी आपका अगर सिलेक्शन हुआ है UR से है, OBC से है, EW से है, SC से है, ST से, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी लिख देनी है, कितने मार्क्स आपके बन रहे थे। मान के चलिए इस बंदे के 102 बन रहे थे, इसके 101 बन रहे थे, इसके 97 थे,
इसके 96 थे, इसके 91 थे। तो इस तरीके से आपको क्या है कमेंट में भर देना बॉक्स। जितने भी वीडियो ये देख रहे हैं और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, 2678 कैंडिडेट जो यहाँ पर बोला गया, तो आपसे यही बोलूँगा कि एक बार कमेंट कर देंगे, जिससे हमें एक कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब तो बस सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये केवल झांकी है ना, ये अभी केवल झांकी है। अभी क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगी। मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया, टाइपिंग आपने बिल्कुल नहीं आती, 0, तो 15 दिन बाद टाइपिंग ले ली ना, 90 या 99% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे, जो पहले से कर रहे थे, केवल उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है इसमें, ठीक है। तो टाइपिंग अभी बाकी है, टाइपिंग आप जब क्वालिफाई करेंगे, और उनमें भी आपको जो है ये इन्होंने 1:3 में लिए हैं, यानी कि 759 कैंडिडेट के अंदर आना हुआ टाइपिंग क्वालिफाई करके, ठीक है। तो टाइपिंग क्वालिफाइंग एक और चैलेंज है आपके सामने, जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद डीवी का चैलेंज आएगा। तो डीवी में ज़्यादा बच्चे नहीं छाटते हैं, 10 से 20 या 50 के समथिंग बच्चे छटते हैं, बट जो ज़्यादातर वो टाइपिंग में छट जाते हैं। हो सकता है 2678 में से इनको 260 बच्चे भी ना मिले जो कि टाइपिंग पास कर पाए, अगर ये बहुत ही जल्दी टाइपिंग ले लेते हैं तो, ठीक है। तो आप यही बोलूँगी, आप जल्दी जल्दी टाइपिंग करिए। नीचे एक बार कट ऑफ के लिए आपको बता देना कि किस तरीके से आपकी कैटेगरी, और उसके सामने अपने नंबर डाल देना। और इसके अलावा मैं एक वीडियो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, वो जो वीडियो मैंने बनाया था वो आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। यहाँ से ही और चैनल पर जाएंगे, यहाँ से वीडियोज़ में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, है ना, ये वाला, जैसे रिजल्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। तो उसके मैंने टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी, किस तरीके से स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, कैसे टाइपिंग करना है, कहाँ सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को देख लेना। और भी इसके अलावा मेरे 2 वीडियोज़ और हैं, जहाँ पर मैंने आपको टाइपिंग के रिगार्डिंग कुछ बताया था, ये वाले, है ना। एक तो ये टाइपिंग टेस्ट वाला है, ये वाला कैसे होगा, और एक और था वीडियो जो कि आपका नीचे ही कहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, एक तो ये है और एक आपका ये वाला, है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला वीडियो, 2 वीडियो है, जाके देख लेना। ये हमारे स्किप प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से, उसमें आपको मिल जाएगा, ओके। और चैनल पर बने रहिए, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूँगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कट ऑफ के लिए फिर बोल रहा हूँ कि नीचे एक बार करिए, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, बट अभी आपको खुशी नहीं मनाना है, अभी आपकी 1 स्टेज, कम से कम 2 स्टेज और बाकी है ना। एक तो आपका टाइपिंग होगा, देन डीवी होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, ओके। तो जाइए कमेंट कर दीजिए, बाकी रिजल्ट चेक कर लेना। टेलीग्राम पर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया, यहाँ से आपको टेलीग्राम पर चले जाना, द एग्जाम हेल्पर पर डाल दोगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।